क्रिकेट की दुनिया के धुरंधर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह पहली बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चौकों और छक्कों की बरसात करने वाले हैं। देहरादून के लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 21 सितंबर से देहरादून में शुरू हो रहा है। 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे, जिसे लेकर आज सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह सहित भारत की कई क्रिकेट की टीम के बड़े सितारे देहरादून पहुंचे। राजधानी देहरादून में होने जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर प्रदेशवासी उत्सुक हैं। वहीं मैच के लिए सोमवार को इंडिगो की फ्लाइट से इंदौर से चार देशों के 113 सदस्य देहरादून पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 6 मैच देहरादून स्टेडियम में होने वाले हैं। तैयारियां पूरी होने के बाद ही हम टीम को यहाँ स्टेडियम में लाए हैं और चार टीमें कल आ गई थी, चार टीमें आज पहुंच रही हैं। हमारी इंडिया की टीम आज पहुंच रही है और सारी तैयारियां पूरी हैं, सारे ड्रिल हो चुके हैं, सिक्योरिटी ड्रिल्स हो चुके हैं, कहाँ से क्या रूट होगा किसके आने का, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ग्राउंड टीमों ने इंस्पेक्शन कर लिया है, ग्राउंड उनके लिए परफेक्ट कंडीशन में है, तो तैयारियां हमारी पूरी हैं। फर्स्ट से 25th तक है, 25th का डबल हेडर है, उसके बाद डेली शाम को 7:30 बजे से मैच शुरू है, 7 बजे टॉस होगा। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की टीम पहले ही यहां पहुंचकर अभ्यास में जुटी हुई है। देखिए, हमें मैच के लिए 3 घंटे चाहिए होते हैं और यही हम लोग कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वो 3 घंटे हमें सेफ मिल जाए। बाकी यहाँ के ग्राउंड की पोजीशन ये है कि ड्रेन हो जाता है पानी, यहाँ पानी रुकता नहीं है, तो थोड़ा भी समय हमें मिलेगा तो मैचेस हो जाएंगे। तो कई बार अगर बहुत ही ऐसा कुछ हुआ तो 20-20 नहीं हुआ तो 10-10 ओवर हो जाएंगे, लेकिन कोशिश हमारी है पूरा मैच हो, लोग पूरा एंजॉयमेंट लें। बहुत अच्छा रिस्पांस है, हमारे तो फोन ही नहीं बंद हो रहे हैं चक्कर में लोगों को जानकारियां देने में कि कहाँ पे क्या होगा, पासेज कहाँ से मिल रहे हैं, टिकट कहाँ से मिल रहे हैं, तो अच्छा रिस्पांस है। लोगों में एक काफी क्रेज हो रखा है इस टूर्नामेंट के लिए और अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट है यहाँ पे जो देहरादून में हो रहा है।